बंद आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल शाखा। आखिरकार आसनसोल नगर निगम के दोनों उपमेयर को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले मेयर परिषद के सभी 5 सदस्यों को उनके विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं आसनसोल नगर निगम के बोर्ड गठन के करीब 1 साल बाद अभिजीत घटक और वसीम उल हक ने उपमेयर पद की शपथ ली और आज यानी शनिवार को मेयर विधान उपाध्याय ने दोनों उपमेयर के विभागों का निर्देश जारी कर दिया, जिसमें उपमेयर अभिजीत घटक को होर्डिंग और स्ट्रीट लाइट तथा उपमेयर वसीम उल हक को अल्पसंख्यक विभाग, पार्कों की रखरखाव और पार्किंग जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमएमआईसी सुब्रत अधिकारी को शिक्षा विभाग, मानस दास को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देवेंद्र भगत को स्वास्थ्य विभाग, गुरदास चटर्जी को स्पोर्ट्स एंड कल्चर तथा इंद्राणी मिश्रा को एनयूएलएम के विभागों की जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है और जिन विभागों का आवंटन अब तक नहीं किया गया है उनकी जिम्मेदारी फिलहाल मेयर के ही कंधों पर है, जिसमें जलापूर्ति, बिल्डिंग प्लान, टैक्स जैसे प्रमुख विभाग शामिल है। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। আসানসোল শহর जहां आए दिन ऐसी ट्रकें पकड़ी जाती हैं जिसमें गायों को ठूस कर गौ हत्या के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसी आसनसोल शहर में एक ऐसा वाक्या देखने को मिला जिसने मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की। दरअसल आसनसोल नेशनल हाईवे कल्ला मोड़ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक परित्यक्त कुएं में घास चरने गई एक गाय शनिवार की सुबह गिर गई। परित्यक्त कुएं में पानी काफी नीचे जा चुका था और गाय बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, मदद के लिए पुकार लगा रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने गाय की पुकार सुनी और फौरन इसकी सूचना आसनसोल के दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग ने गाय को बचाने के लिए तत्परता दिखाई और अपने उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। पानी काफी नीचे होने के कारण गाय को बाहर निकाल पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए दमकल विभाग के अधिकारियों ने पहले कुएं में पानी भरा और उसके बाद रस्सी के सहारे गाय को कुएं से बाहर निकाला और इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय व्यक्तियों ने भी काफी साथ दिया। एक स्थानीय निवासी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर गाय को बीचों बीच रस्सी से बांधा ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने गाय को सही सलामत बाहर निकाला, जिसके बाद इलाके के लोगों में खुशी देखी गयी। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में एक परित्यक्त कुआं भी था, इस बात की जानकारी उस इलाके के लोगों को पहले नहीं थी। ऐसे में लोगों का ये मानना है कि गाय ने अपने जान को खतरे में डालकर इस परित्यक्त कुएं की स्थिति से लोगों को अवगत कराया है। कई बार बच्चे उस इलाके में खेलने के लिए निकल जाया करते थे और वह इस डर से अनभिज्ञ थे कि वहाँ एक कुआं भी है। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति में होने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। स्थानीय लोगों ने इस परित्यक्त कुएं की जानकारी प्रशासन को दी। अब देखना यह है कि कब तक प्रशासन ऐसे परित्यक्त कुएं की भराई कर इस इलाके को सुरक्षित बनाती है ताकि कल को कोई और जानवर या प्राणी ऐसी मुसीबत में ना फंसे। बंगवाज की पूरी टीम सलाम करती है आसनसोल के दमकल विभाग के कर्मचारियों को और साथ ही उस शख्स को भी जिसने गाय को कुएं से बाहर निकालने के लिए दमकल कर्मचारियों का साथ दिया। तृणमूल कांग्रेस द्वारा पालित शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को मनाई जाती है। इस दिन कोलकाता स्थित धर्मतल्ला में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें टीएमसी के शीर्ष नेताओं के साथ राज्य के कोने कोने से तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होते हैं और इसकी तैयारियां शिल्पांचल में भी जोरों शोरों से की जा रही है। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी और ब्लॉक प्रेसिडेंट सह पार्षद रूपेश यादव के नेतृत्व में रानीगंज के इलाकों से विशाल जुलूस निकाला गया, जिसके जरिए लोगों से धर्मतल्ला चलने की अपील की गयी। दीदी के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे साल 1993 में 21 जुलाई को, उन्हीं के याद में दीदी जब कांग्रेस में थी तो युवा कांग्रेस के बैनर तले, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का जब अपना दल गठन किया तो तृणमूल कांग्रेस के बैनर के तले हर वर्ष 21 जुलाई को धर्मतल्ला में सभा किया जाता है। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल के धातका इलाके में स्थित नारायण चंद्र लहरी विद्यालय, जिसे एनसी लहरी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, को एमपी फंड से 26,02,115 रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस राशि से स्कूल के विकास का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। एनसी लहरी स्कूल आसनसोल के 21 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है, इसलिए नगर निगम के मेयर अमरनाथ चैटर्जी और वार्ड की पार्षद श्रावणी मंडल ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया।